उधर एनटीए की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का आज आयोजन होगा। पेन पेपर मोड पर आयोजित ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। देश के 202 शहरों में आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में देश विदेश से लगभग 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। राजस्थान में 269 सेंटर्स पर ये परीक्षा आयोजित होगी। राजस्थान से 1,38,140 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उधर जी मीडिया के ऑपरेशन नीट के बाद पूरे देश में खलबली मच गई है। शिक्षा जगत में होश उड़ गए हैं। जी मीडिया ने नीट जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा के सिस्टम में सेंध मारी और देश के लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर सनसनीखेज स्टिंग किया तो भूचाल आ गया। स्टिंग दिखाने के साथ ही धड़ाधड़ कार्रवाई शुरू हो गई। जयपुर, अजमेर, सीकर जिले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। राजस्थान सरकार भी अब सतर्क हो चुकी है और आदेश जारी किए गए हैं कि नीट की परीक्षा अवधि में सभी मेडिकल कॉलेज में छात्रों की 100% उपस्थिति जरूरी होगी, ताकि नीट परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर दूसरे के स्थान पर कोई MBBS स्टूडेंट्स परीक्षा न दे पाए। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालेरिया ने जी मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस दिशा में हमें भी मदद मिलेगी और सजग रहने की ओर इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं। एग्जाम से पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली जाएगी। जो भी स्टूडेंट किसी कारणवश बाहर जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। उधर हो रही नीट परीक्षा का आयोजन करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने भी बड़ा निर्णय लिया है। देश भर में नीट के सभी परीक्षा केंद्र CCTV सर्विलांस पर रहेंगे। आज देश भर में नीट परीक्षा का आयोजन है और ये परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। देश में 202 शहरों में आयोजित इस प्रवेश परीक्षा में देश विदेश से लगभग 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजस्थान में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर शहर में ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश में 269 सेंटर्स पर ये परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 1,38,140 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। एज ए एग्जामिनिंग अथॉरिटी एज गवर्नमेंट हम लोग ये चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि इस प्रेस्टिजियस एग्जाम में नहीं हो और जो रियली मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको मौका मिले और वे सक्सेसफुल हों और बेस्ट स्टूडेंट्स हमारे मेडिकल सिस्टम में प्रवेश लें, ताकि हम अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर सकें। और इस दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं विभिन्न एजेंसी द्वारा, और जी न्यूज़ को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक वृहद प्रयास इसमें किया है और जिसके माध्यम से सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं हम लोग हैं उनको एक अच्छा फीडबैक मिला। हम कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट पॉसिबल तरीके से एग्जाम को कंडक्ट करा सकें।